आप भी बहुत परेशान हो कि स्पेस नहीं है फोन में बिल्कुल मैं आपके फोन में एकदम से एटलीस्ट तीन या चार जी बी स्पेस ला सकती हूं और वो भी आपकी फेवरेट एप्स डिलीट किए बिना यस दिस इज पॉसिबल चलो लेट सी हाउ इट वर्क्स एवरी वन वेलकम टू माई चैनल पोरवास ब्लॉग आज मैं आपके लिए बहुत सारे एंड्रॉयड हैक्स लेके आई हूं जिनके पास एंड्रॉयड है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये प्लस जिन लोगों को ये हैक्स हो सकता है एक दो पहले पता हूं बट तो आपको सारे नहीं पता होंगे पहले से तो आज चलिए देखते हैं इन हैक्स के बारे में और ये हैक्स जो है आपको अपने सोशल मीडिया पे इजिली सब कुछ पोस्ट करने में या इजिली फोन का वर्क करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सो लेट्स गो फॉर इट आप अपने फ़ोन का नाम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो अबाउट फ़ोन में जो बिल्कुल नीचे होगा सेटिंग्स में उसमें जाके सिर्फ जो डिवाइस नेम है उसको चेंज करना है आपको और ये हो गया आपका नाम कस्टमाइज़ कुछ भी रख सकते हैं अपने विश से सबसे से तरीका है अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करने का अगर आप जब अपनी डिवाइस फ़ाइंड आउट करते हैं किसी और पीसी वगैरह से तो अपने नाम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी और के हाथ में फ़ोन और आप घबरा गए हैं अब क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें तो उसके लिए सलूशन है अपना पैनल खोलिए नीचे एक फेस बना होता है उस पर क्लिक कीजिए उसमें आप अनलिमिटेड यूज़र आई क्रिएट कर सकते हैं जो जब किसी के हाथ में फ़ोन दे तो गेस्ट वाली आईडी के साथ दे दें। आप करके स्विच तो ये मैंने गेस्ट आईडी पे स्विच कर दिया है मैं सेम फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी तो मैंने किसी और फ़ोन से किया है तो आपके लिए अच्छा रहेगा सेम ही फ़ोन है ऐसा नहीं है मेरा ही फ़ोन है ये तो देख सकते हैं फ़ोटोज़ गैलरी में फ़ोटो नहीं मिलेगी किसी को इनफैक्ट ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे नया फ़ोन है उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अपना गेस्ट पैनल पहले से भी कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं ताकि किसी और को शक ना हो <laughs> तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट रखने का तो नीचे आप देख सकते हैं फिर से उस फेस पे जाके आप फिर से अपने जब हाथ में आ जाए फ़ोन तो फिर से अपने वाले नॉर्मल आईडी पे स्विच कर सकते हैं और आपका फ़ोन पहले जैसा मिलेगा आपको बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं होगा उसमें तो मैं आप अपने पूर्व माथुर वाले पर स्विच कर लूँगी दोबारा कभी कभार आप लोग परेशान रहते होंगे कि इस ऐप का शॉर्टकट होता कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपके फ़ोन में होती है और आप ध्यान नहीं करते हो तो आप जैसे मैप्स है अगर आप मैप्स पर जाओ तो देखो इसमें होम का और वर्क अगर मुझे सेम रोज़ वही रूट यूज़ करना है तो मैं उसका शॉर्टकट क्यों ना बनाऊँ तो आप होम स्क्रीन पर उनका शॉर्टकट बना सकते हो तो देखो चेकआउट करो ये आपका शॉर्टकट बन गया होम के लिए बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा उसमें बस क्लिक करना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे ऐप्स के शॉर्टकट्स होते हैं हर एक का नहीं होता बट मोस्टली एप्स के होते हैं तो आप उनको ईजिली चेकआउट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे पेटीएम का है स्कैन का ये फटाफट पे करने का तो जितनी भी ऐप्स के आप यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि आपके लिए बहुत ईजी काम है फ़ालतू की चीज़ें फ़ालतू का टाइम जैसे फेसबुक का शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर तो फ़ालतू का टाइम बचाने वाली बात है अगर नहीं करना तो आपके विषय वर्ना मेरे हिसाब से तो बेस्ट आइडिया है ये कभी कभार आप में से बहुत लोग जासूसी करने के सोचते होगी दूसरों की कि मेरे हाथ में फ़ोन है तो आप लोग खोल के देख लूँ पर खोल नहीं पाते हो तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है मैं ओवरऑल फ़ोन के लॉक की तो नहीं बट ऐप लोग की ज़रूर गारंटी लेती हूँ कि जब उनके फ़ोन में ऐप आप लोग आपको कुछ नहीं करना बस नोटिफिकेशंस में जाइए ऐप्स में वहाँ जाके जैसे मैंने यहाँ मैसेजिंग के साथ किया है ऐप लोग को फर्स्ट स्टॉप कर दीजिए जब तक वो इंसान दोबारा से ऐप लोग पे क्लिक नहीं करेगा तब तक ऐप सारी खुली रहेंगी उसकी आई नो दिस इज़ योर फेवरेट पार्ट की स्पेस नहीं है फ़ोन में देखिए मेरे में ट्वेंटी नाइन जी बी है अभी तो इसको बढ़ाते कैसे लेट सी आपको सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है अब सी ऑल ऐप्स और एक एक ऐप के साथ आपको अब आप क्या करना है लेट सी जैसे अमेजोन है मैं इसमें जाऊँगी इसमें स्टोरेज में जाना है आपको और यहाँ पे क्लियर कैश करना है बस और आपके फ़ोन में स्पेस बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा आपको सारी ऐप्स के साथ करना है जैसे मैं एक एक करके करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कुछ के बीस से कुछ एम से क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आप खुद करेंगे खुद आपको रिलाइज़ होगा कि इट्स वेरी इफ़ेक्टिव तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर लेते हैं बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा आपको जब ये करेंगे आप तो वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ऐप्स ख़त्म कर लिए सिर्फ लास्ट ऐप रहती है इसको भी फटाफट कर लेते हैं और जाके दोबारा से आप फाइल मैनेजर में जाके के चेकआउट नहीं नहीं खाली नहीं है इसको रिफ़्रेश कीजिए और चेक कीजिए देखिए थर्टी थ्री जी बी हो गया थर्टी थ्री जी बी ट्वेंटी नाइन से इट्स लाइक ऑलमोस्ट फोर जी बी आपके फ़ोन में फ्री हो चुका है आप कोई भी अपनी फेवरेट ऐप डिलीट किए बिना ये काम कर सकते हैं प्लस आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे और है जैसे मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम अगर आपने कभी नहीं किया है तो पाँच से छः जी भी स्पेस बन सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कुछ चीज़ें सर्टेन वे में कैसे चाहिए इंच की जाए फ़ोन में जब वो ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन से होती हैं तो आप ख़ुद भी डेवलपर बन सकते हैं बस सेटिंग्स में जाना है आपको अबाउट फ़ोन में जैसे मैंने क्लिक किया था तो उस पर क्लिक करना है मेरे जैसे ऑन है डेवलपर मैं पहले इसको ऑफ कर देती हूँ आप फिर से दिखा देते हो अबाउट फ़ोन में जाना है आपको ये बिल नंबर है उस पर पाँच टाइम्स क्लिक करना है ओ मेरा पासवर्ड नहीं देख सकते आप लेट्स मी ओके मेरा हो चुका है नाम आई एम डेवलपर उससे ऊपर वाला सिस्टम वाले ऑप्शन में जाइए और आपका डेवलपर ऑप्शन आ चुका है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनबिल्ट होती है उनको चेंज कर सकते हैं फ़ोन में बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगी इसको यूज़ ना ही करें तो अच्छा है अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल के इसको यूज़ करें हो सकता है आपका कोई सिस्टम ऑलरेडी ठीक हो और आप उसको ख़राब ना कर दे तो फर्स्ट डू एंड चेक और कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जिससे आपके फ़ोन को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े तो यूज़ इट केयरफुली एंड वेरी वेरी केयरफुली ओके okay, क्लिप आपको पता होगा क्या होता है बट क्लिप में अमेजिंग क्या फ़ीचर है आज मैं वो बता देती हूँ आपको तो चलिए आप पहले ये देख लेना कि आपने जो भी आपका है जी बोर्ड हो गूगल वाला कीबोर्ड हो मैंने पहले से एक्टिवेट कर रखा है तो आप जाके सेटिंग्स में कीबोर्ड की चेक कर सकते हैं कि वही वाला कीबोर्ड है कि नहीं है जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा वही वाला और लैंग्वेज़ भी मैं सारी इसी की यूज़ करती हूँ तो जैसे आपको एट फोर डॉट्स नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे इन पर क्लिक कीजिए और क्लिप नज़र आ रहा होगा उस पर जाइए और उसको ऑन कर लीजिए जैसे मेरा ऑन ही था अभी ऑफ़ हो गया है तो उसको ऑन कर लीजिए बस कुछ नहीं करना है अब आपको कॉपी पेस्ट वगैरह करनी है चीज़ें ओके नाउ गूगल करते हैं कुछ ओके रणबीर कपूर गूगल किया हैं मैंने मैं इसकी इंफॉमेशन यहाँ से कॉपी करूँगी विकीपीडिया से तो आप सोचते होंगे ना एक चीज़ को एक बार कॉपी किया फिर जाके पेस्ट करोगे कॉपी किया फिर नहीं बहुत इजी काम एक बार कॉपी किया नीचे स्क्रॉल कीजिए उसको भी कॉपी कीजिए आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा 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 देखिए वेट कीजिए इसको भी कॉपी कर लिया यहाँ पर हमने अब नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे नोट पैड दोबारा ओके okay, यहाँ पे फिर से उजनी डॉट्स पे जाइए क्लिप बोर्ड में जाइए और देखो तीनों चीज़ें जो हमने कॉपी की थी आ चुकी हैं आप लाइन वाइज इनको पेस्ट कर सकते हैं डू रिमेंबर ये एक घंटे बाद क्लियर हो जाता है अगर आपने कोई मार्क नहीं कर रखा तो क्लिप बोर्ड हर एक घंटे में क्लियर हो जाता है आपका चलिए अब की का एक और अमेजिंग फीचर देखते हैं आप में से बहुत लोग सोचते होंगे ना मेरी हिंदी तो बहुत ख़राब है मैं हिंदी कैसे लिखूंगा तो कुछ नहीं करना आपको लिखना है इंग्लिश में ही है वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने देख लेना ये जी बोर्ड में ही ऐसे फीचर अपने जी बोर्ड में गूगल बोर्ड में जाइए सेटिंग्स में जैसे यहाँ पर देखो आप देख रहे हो डेमो कि कैसे तो मैं लिख इंग्लिश में ही रही हूँ वो कन्वर्ट अपने आप हिंदी में हो रहा है इजेंट इट अमेजिंग है ना अमेजिंग तो आपको भी सिखा देती हूँ बस फटाफट इसकी सेटिंग में जाना अच्छा मिक्स भी यूज़ कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको वो यूज़ करना है हिंदी इंग्लिश मिक्स भी यूज़ कर सकते हो तो चलिए सेटिंग में जाके फटाफट देख लेते हैं कि कैसे आपका ये एक्टिवेट होगा फटाफट तो चलिए सॉरी तो चलिए तो ये आगे आपका इसकी सेटिंग में जाना है आर लैंग्वेज में जाना है आपको और इसमें जैसे इंग्लिश सर्च करते हैं इंग्लिश सर्च कर लीजिए जैसे हिंदी सर्च करते हैं हिंदी सर्च कर लीजिए अब ऐसे ही जब हिंदी सर्च करते हैं ना तो हिंदी सर्च में ऑप्शन आता है ए बी सी टू आपके का खागा हाँ <laughs> जी यही सब आते हैं आपके मेरा ऑलरेडी एडेड है इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी टू हिंदी आ रहा है ये वाला आपको ऐड करना है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आप कुछ भी लिखें इंग्लिश में लिखना है आपको अपना आप हिंदी में सही हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं और है और बहुत सारे लोग जो हिंदी टाइपिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है क्योंकि ये आपका गूगल डॉक्स पर भी आता है ओके okay, ये किसी ने मुझे चाइनीज में टेक्स्ट भेज दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है तो इसके लिए क्या करें इसके लिए हमारे पास ट्रिक है बहुत अच्छी जो हमारे जी बोर्ड में ही प्रेजेंट है तो जैसे डॉट्स के साइड में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी देखो इसमें नहीं इसके डॉट्स के साइड में जो एक अजीब से लैंग्वेज टाइप का बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए उसको देखो आ गया इंग्लिश में आपका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और कोई भी लैंग्वेज आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई गाली भी नहीं दे सकता आप ऐसे अपनी लैंग्वेज में तो बहुत इजी इनफैक्ट आपको कोई uh, सोचते हैं बहुत लोग ट्रांसलेशन के लिए तो ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है ज़रूर नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ टू इंग्लिश होगा इंग्लिश टू चाइनीज़ भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओके आई एम नॉट क्रेजी मैं नहीं कर रही हे बार बार अपने आप हो रहा है आई नो मैं नहीं कर रही वो तो एक्चुअली होता है कि आपको जैसे मैड है उसके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे अगर बार बार पेस्ट करके देखेंगे तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हक पे आज का हमारा लास्ट हैक इसके लिए हमें जाना है सेटिंग्स में आप बहुत सारे सोचते होंगे ना बार बार नोटिफिकेशन किसी ना किसी आलतू तो फालतू तो ऐप्स के आपको बग करती रहती है परेशान करती रहती है तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ़ ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है जहाँ से आपने स्पेस कम किया था जाइए जिसका भी आपको जानने जैसे ब्यूटी प्लस बहुत परेशान करती है इसकी नोटिफिकेशन हाँ मैं करती हूँ इसमें नहीं मैं नहीं करती इसमें फोटोज एडिट तो यहाँ से सिर्फ आप जितनी भी नोटिफिकेशन है या फिर कोई पोर्टिकुलर सेलेक्ट करके भी ऑफ कर सकते हैं और आगे से कोई भी फालतू तो नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन से हैक्स नहीं पता थे और साथ ही साथ आपको और भी कुछ पूछना है तो एंड्रॉयड के बारे में हम उसे पूछ सकते हैं विल डेफिनेटली टू डू डू आंसर दैट आप चाहे इंटेलीग्राम पे पूछ सकते हो या आप चाहे से ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो नो वरीज इज एट ऑल और मुझे साथ ही साथ सारी जगह फॉलो कर ले ताकि मैं आपको और ज्यादा हैक्स इजिली बता पाऊं क्योंकि मैं इन सबकी स्टोरी अलग अलग जगह शेयर करती रहती हूँ तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा रेगुलरली वो चीजें देखना और उनको अप्लाई करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं किसी और एपिसोड में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ बाय वन मिनट आई हैव मोर इन द हाउस इसके शायद पार्ट टू में बहुत ज्यादा और भी हैक्स है तो शायद पार्ट टू में कंप्लीट कर दू और आईफोन वाले निराश ना हो आप सबके लिए भी मेरे पास हैक्स है उसकी वीडियो भी कमिंग सून